बुढ़ापे की अमीरी से बचपन की वह गरीबी अच्छी थी, बुढ़ापे की अमीरी से बचपन की वह गरीबी अच्छी थी। जब हम लंगड़ी पकड़म पार्टी दड़ी मार गदा मार सितोलिया बिन पैसे के न जाने क्या क्या खेल खेला करते थे। कहाँ गुम हो गए अंटी पॉकेट मार फिरकनी बहुरी ताड़ी चकरी, कहाँ गुम हो गए अंटी पॉकेट मार फिरकनी बहुरी ताड़ी चकरी। वह घोड़ा बादाम सही खो खो आदि खो हो गए, खो खो आदि खो हो गए। बचपन से जवानी के बीच कबड्डी फुटबॉल व हॉकी खेला करते थे। फुर्सत के क्षणों में कभी हंसी मजाक व गपशप लगाया करते थे। यह सब सारे खेल खेलते खेलते कब बचपन गुजर जाता। आज तो ये बिन पैसे के खेल खेल नहीं रहे, आज तो ये बिन पैसे के खेल खेल नहीं रहे। इसलिए भारी जवानी में बुढ़ापा नजर आने लगता है और इस चिकनगुनिया रोग ने आने वाले बुढ़ापे की रिहर्सल करा दी। जवानी की सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती है और बुढ़ापे की फिसलन आ जाती है, क्योंकि जिसने कबड्डी नहीं खेली वह क्या खाक गिल्ली डंडा खेलेगा, जिसने कबड्डी नहीं खेली वह क्या खाक गिल्ली डंडा खेलेगा। खेल खेलने से ही जीवन के हर क्षेत्र में खेल भावना जागृत होती है, खेल खेलने से ही जीवन के हर क्षेत्र में खेल भावना जागृत होती है। खेल खेलने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, खेल खेलने से अहंकार ईर्ष्या व जलन खत्म हो जाती है, खेल खेलने से क्रोध कुविचार अविवेक खत्म हो जाते हैं, खेल खेलने से शारीरिक शिथिलता का खात्मा हो जाता है, शरीर में नई स्फूर्ति उमड़ पड़ती है, खेल खेलने से शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है, तन व मन ऊर्जावान हो जाता है, खेल खेलने से व्यक्ति अनुशासित और प्रसन्न चित हो जाता है। तो खेल तो आखिर खेल है, खेल तो आखिर खेल है जो जीवन का रंगमंच है। कुव्यसन त्याग बच्चों किशोरों युवाओं को टीवी मोबाइल कंप्यूटर स्कूटर मोटरसाइकिल से दूर रहना होगा, खेल मैदानों के संग रहना होगा। खेल खेल में ही शिक्षा सगाई नौकरी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, खेल खेल में ही बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगती है। खेल खेल में ही बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगती है, खेल खेल में ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, खेल के अंत में बुढ़ापा दस्तक देने लगता है। यह सब खेल संग जीवन से ही खेल बनता है, यह सब खेल संग जीवन से ही खेल बनता है। खेल खेलने से परास्त होने का दर्द सहना सीखेगा, खेल खेल में ही पस्त होना नहीं पराजित करना सीखेगा, पराजित करना सीखेगा। अब आध्यात्म की ओर, खेल 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 में ही जाने कब खेल खत्म हो जाएगा, किंतु जन्म से मृत्यु तक के इस जीवन के खेल को जो अच्छे ढंग से खेलता है उसकी सभी प्रशंसा पाएगा, उसकी सभी प्रशंसा पाएगा, किंतु खेल को जो खेल भावना से नहीं खेलेगा उसकी सर्वत्र निंदा होगी, उसकी सर्वत्र निंदा होगी। खेल तो सभी खेलते हैं, खेल तो सभी खेलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है मेरे दोस्त, एक जीत कर भी हार जाता है और दूसरा हार कर भी जीत जाता है, दूसरा हार कर भी जीत जाता है। सच्चा खिलाड़ी वह है, सबका आशीर्वाद चाहूंगा, सच्चा खिलाड़ी वह है जो समर्पण स्नेह व प्रेम से खेला, जो सत्य व अहिंसा से खेला, जो समता व चपलता से खेला, जो पुरुषार्थ व नेक नीति से खेला, जो करुणा व जागरूकता से खेला, जो विनय व विवेक से खेला, वह जीवन की जंग जीत जाया करता है, वह जीवन की जंग जीत जाया करता है। जो अनुशासित फौजी की तरह जीता है, मर्यादाओं का पालन करता है, नई तकनीक के साथ अच्छाई को ग्रहण कर बुराई को विसर्जित करता है, एक चतुर खिलाड़ी कर्मवीर योद्धा का जीवन जीता है, समय आने पर गोल भी करता है, समय आने पर गोल भी करता है, निशाना भी साधता है, चित भी करता है और चौके छक्के भी जड़ता है, कभी लंबी कूद कभी ऊंची कूद, कभी दौड़ के कभी धीरे चल, कभी तैर के कभी साइकिल दौड़, कभी भाला फेंक कभी गोला फेंक, कभी शटल से तो कभी गेंद से तो कभी अंडे से तो कभी भारी भरकम वजन से। इन सब खिलाड़ियों का चयन निष्पक्ष पूर्वक मेरे गांव कस्बों से हो, इन सब खिलाड़ियों का चयन निष्पक्ष मेरे गांव कस्बों से हो, मजदूर किसान से हो, देश की आन बान शान और वृद्धि होगी और मेरी धरती सोना उगलेगी, मेरी धरती सोना उगलेगी, मेरी धरती।